आग लग है तो इसमें सर क्या क्या चीज़ का लॉस हुआ है और कितना आदमी का हुआ है, इसका डिटेल आप थोड़ा बताइए। अभी नुकसान तो अभी हम लोग नहीं बोल पाएगा, वो देखना पड़ेगा बाद में या कल को, लेकिन चार आदमी का घर जल गया। ये गवर्नमेंट को आता था तो एक ये किचन बना के रखा है, यहाँ से जलना शुरू हो गया, चार आदमी का जला है। तो ये एक्चुअली कॉल जो है 8:43 में आया था हम लोग का घर में, 22 में हम लोग निकल गया। उसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा गाड़ी आया और 5 मिनट के बाद में तीसरा गाड़ी, 3 गाड़ी आकर के हम लोग आग को कंट्रोल में पा लिए और अभी आग मैंने कॉलोनी को जलने से हम लोग बचा दिया। जो जल रहा है वो तो जल गया, जहाँ से घर जलाता वो तो जल गया, लेकिन आगे स्प्रेडिंग करने से हम लोग बचा दिया। सर कैपिटल में सर ये बार बार हो रहा है कि हर जगह में फायर एक्सीडेंट सर हो रहा है, तो पब्लिक को सर कैसे ये सावधान रहना चाहिए, आप क्या 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 कहना चाहेंगे? ये तो मैं पहले भी बोल चुका है कि पब्लिक जो भी है मैंने अपना दिमाग में ये रहना है कि कहीं आग ना लगे, तभी हम आग से बच सकता है या आग लगने से फायर एक्सीडेंट होने से थोड़ा बच सकता है या फायर एक्सीडेंट कम हो सकता है, ये पहले ही बोला है। अब जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं आग ना लगे, तो आप लाइट का स्विच बंद कर सकता है और गैस करेंगे तो प्रोटेक्शन का बनेगा। जब तक ध्यान नहीं रहेगा कि कहीं आग ना लगे, ये दिमाग में जब तक नहीं रहेगा उसे क्या ले सकते। मेरा कहने का मतलब ये है ध्यान रखना है कहीं आग ना लगे, उस थोड़ा सा केयरलेस के वजह से आपका घर जल जाता है, उसका जितना घर का प्रॉपर्टी हो जल जाता है, एक ही बार घर बना पाता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ध्यान देना है आपको क्या पूरा है। अच्छा ये आग कितने बजे से लगा था और आप लोगों को क्या क्या चीज़ लॉस हुआ है? आग अचानक 8:15 जैसे में लगा होगा, तो मैं बाथरूम में था तो वहाँ से जब निकला तो पूरा यहाँ में धुआं ही है, तो अचानक बाहर जाके देखा है तो वहाँ से वो नेक्स्ट वाला घर में वहाँ से शुरू हुआ है, शुरू होकर पूरा मतलब लग गया। कितना घर को आग लगा एक साथ? अभी सब में तो 5 घर होगा। तो फायर ब्रिगेड कितने बजे आया, टाइम से आया था क्या? 10-15 मिनट बाद में आया। कोई आदमी का चलो सामान तो लॉस हुआ, कोई आदमी को कुछ? आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना, ठीक ठाक ही है आदमी, लेकिन सामान तो कुछ बचा नहीं।